तो गैस अभी जो वीडियो देखा उस तरह का वीडियो आपको बनाने के लिए सिंपली आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। सो गैस इस तरह का वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगा। आज जो मैं प्रोसेस बताऊंगा बहुत आसानी से आपको बनाना सिखा दूंगा। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस अलग होता है, वहाँ पर आपको काट करना पड़ता है इमेज को। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा इमेज को कोई काट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत आसानी से दिखा दूंगा। सिर्फ आपको एक वीडियो की ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले काइनमास्टर ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, और आपको एक वीडियो शूट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का आपको वीडियो शूट करना है। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद वो वीडियो आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो आपको शूट करना है। तो गाइज आपको इस तरह का वीडियो आपको कहीं पर जाके शूट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको किस तरह से आपको वीडियो बनाना है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो गाइस इस तरह का वीडियो ऐड करने के बाद आपको आगे ले जाना है, और जहाँ पर जहाँ से आप उठते हो वहाँ पर आपको ले जाना है, जहाँ पर लेटे हो वहाँ तक आपको ले जाना है, और यहाँ पर आपको स्प्लाइट कर देना है। तो स्प्लाइट करने के लिए आपको कांची पे क्लिक करना है, और यहाँ पर स्प्लाइट प्लेहेड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाकी का पार्ट्स को आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड ले चुका हूँ, अब आपको इसको थोड़ा बढ़ा देना है। ओके, बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको एक यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जहाँ पर लेटे हो इस पोजीशन पे आपको एक फ्रेम का कैप्चर ले लेना है। तो मैं फ्रेम का कैप्चर लेता हूँ। गाइस आपको नीचे का ऑप्शन पे क्लिक करना है और फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका कैप्चर। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आके इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद टिक मार देना है। टिक मारने के बाद सिंपली आपको उस कैप्चर पे क्लिक करना है, नीचे कैप्चर को थोड़ा बढ़ा देना है। ओके, बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर यहाँ से आपको इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक वीडियो उस वीडियो को फिर से आपको ले लेना है। सो गाइस उस वीडियो को मैं फिर से लेयर पे ले चुका हूँ, अब आपको इसको भी फुल कर देना है। सो गाइस फुल हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको व्हाइट बैकग्राउंड को बढ़ा देना है, वीडियो जितना बड़ा है वहाँ तक आपको ले जाना है। उसके बाद नीचे का इमेज को भी बढ़ा देना है। ओके गाइस, बढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर आपको। सो गाइस आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ये वीडियो है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रोमा की, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इसको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दोगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर करना है। ओके, सो गाइस अब आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इस बैकग्राउंड को ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्रोमा की ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर वाइट येलो कलर है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ब्लैक कर देना है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक हो चुका है, अब आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो गाइस और एक काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि एक काम आपको पहले करना है। तो इसको ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जहाँ पर आप उठते हो वहाँ पर आपको ले जाना है, और यहाँ पर आपको
कर देना है, लेफ्ट में कर देना है इस वीडियो को, फिर इस वीडियो को शुरू में ले जाना है। ओके, शुरू में ले जाने के बाद आपको ऐसा आप कोमा की ऑप्शन पे जाइए और इसको इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर टिक मार दीजिए। अब आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, क्रोमा की यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है फिर से और क्रोमा की पे जाके थोड़ा सा इधर उधर करना है, आपका वीडियो बन जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो वीडियो बन चुका है। अब आपको यहाँ पर बाकी का पार्ट्स आपको यहाँ पर बड़ा हो गया है तो इसको काट देना है, राइट में राइट ट्रिम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे का इमेज को भी राइट ट्रिम कर लेना है, फिर आपका हो गया है। सो गाइस, इसको थोड़ा तो गाइस आपका वीडियो बन चुका है। अब आपको यहाँ पर फिर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, बैक ले लेना है, फिर आपको इसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। तो हाई HD में आप सेव कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और हाई डेफिनेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, आपका वीडियो बन जाए। तो गाइस, आई होप के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का आइकन आएगा वहाँ पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से मेरे साथ पर्सनली चैट कर सकते हो। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा, चैट करूँगा आपके साथ। मिलता हुआ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।